हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि आप अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और देखिए, अभी लाइट कटी हुई थी, कितनी गर्मी है आज। एकदम पसीने पसीने हो चुकी हूँ, एकदम से बहुत ज़्यादा गर्मी है। बहुत बहुत हार्ड गर्मी है। देखिए कितना तेज धूप है, ऐसे खिड़की से आ रहा है वो धूप का वो परछाई। और मैं जा रही हूँ आज आम का अचार काटने। तो मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए ये इतना सारा आम ये रखी हूँ। ये कहाँ से तुमको मिला? ये कितना बड़ा बड़ा सा आम है। जा रही हूँ इसका अचार काटने। मुझे भी। और इसको अभी मैं अचार आम को काटूंगी, काटने के बाद धुल के सुखाऊंगी। शाम में इसको मतलब हल्दी और नमक मिक्स करके रखूंगी। बाकी पाउडर सब कल तैयार करके रखूंगी तो मिक्स करूंगी। मैं आपको दिखाती हूँ। और यहाँ तो आम काटने वाला नहीं, हम लोग भैंस में से ही काटते हैं। तो दिखाती हूँ आपको। जा चलो, तब देखिए मैं काट रही हूँ ये। इसमें नहीं, दूसरा कोई कुछ जो इसके बाद इसको धो के छत पे डाल देंगे सीखने के लिए। ये सब जो तो बड़ा वाला आम है, ये सब तो अचार वाला है। और ये बम्बैया आम है, इसको रखेंगे। अभी थोड़ा सा है, ज़्यादा टूटा नहीं है, तोड़ के आएगा। तो इसको हम ना कवाई डाल सकते हैं ना कुछ, इसको हम अभी भूसा में गाड़ देंगे तो पक जाएगा। बाकी अभी तो ये सब तोड़ना है, लगड़ा है। इसमें मीठ का कौन है? मीठ का एक तो है, पूरा उसमें छिलका लगा हुआ है। ये वाला है? नहीं है, ये नहीं है। दो हम बताएं। वो है। वो। ये बड़ा वाला, ये नहीं। ये वाला। ये देखिए, इसको पता नहीं कौन सा आम बोलते हैं, लेकिन ये मीठा लगता है, खाने में मीठा लगता है। कल आया था तो खट मीठी बनाई। कह रही हूँ मम्मी चलो आम काटो, मम्मी चलो आम काटो। इस बार ज्यादा तो आम नहीं आ खड़ा है, पेड़ पर बस थोड़ा सा है बस खाने लायक। मेरे जुकाम हो गया। देखने में लग रहा है कि आराम है। आराम कहाँ से, आराम से कहाँ पड़ रहा है, पूरा ताकत लगा देना पड़ता है। जो आम खाने वाला होता है उससे इतना ताकत नहीं लगता। आम खाने वाला होता है? हाँ, एक आता है आम खाने वाला मशीन। नहीं, ऐसे ही रहता है, ऐसे उसको ऐसे ऐसे दबाते हैं उठा उठा के। लेकिन हमारा पैसुल भी बहुत तेज है।
मीठ का आम है, इसको मैं खा रही हूँ। ये इसमें इतना मोटा आटी नहीं लगा है, इसका आटी पतला पतला। अमन एक ले ले, ये जीतू आई आटी ले पतला तो आटी है। दे क्या बड़ी छोटी मम्मी को दे देना। नीचे मासी भादु मासी अमन के साथ ही केने हुए और अभी कली नहीं रहा, कली नहीं रहा इधर होता। मैं जब खारा निकलता है उसमें क्या करते हैं सही से होता है। देखिए कितना गुद्दा वाला आम है, आठ ही पतला सा है, गुद्दा ज्यादा है, अचार वाला आम है। इतना बड़ा बड़ा पीस काटे हैं, चलिए इसको लेके चलते हैं सुखाने के लिए। इसको आएंगे सुखा के धूप में डाल के तब जाके उठा के फेंकेंगे। मैं आ गई छत पे, बहुत तेज धूप है, इसको पकड़ो, लो लो इसको पकड़ो, धूप है लेकिन हवा भी अच्छा खासा चल रहा है। रोजी कहाँ का पड़ो रखे हो, मैं पूछ ले। देखिए पानी भी पता नहीं चल रहा है, पूछ रहे तो डालो धूप में, डालो यहाँ गिरा इसको। देखिए ऐसे इसको थोड़ा सा सूखने के लिए डाल देंगे, हल्का हल्का इसमें धूप लग जाएगा तो शाम में इसमें हल्दी नमक पीस देंगे। चलो छोड़ दे एक बार आके दो थोड़ी देर के बाद चला देना। चलो देखिए अचार सूख रहा है, बहुत तेज धूप है यहाँ। सारा टीम हमारे साथ आगे पीछे हेल्प कराते रहते हैं।
हेल्प कराते रहते हैं। चलिए तब तक के लिए बाय बाय, जब अचार मिस होंगी तो दिखाऊंगी दूसरे ब्लॉक में, तब तक के लिए बाय बाय।